आइजल रेडी हो गई है और मैं इसको दादू के पास छोड़ूंगी और मैं जाऊंगी कुरान क्लास लेने। कुरान क्लास हो रही है वीक में वन टाइम और वो मैं अटेंड करने जाऊंगी रोज़, सब लाइक वीक में एक दिन मंडे के दिन। तो बस इसको नहीं छोड़ती हूँ, इसको नाश्ता कराती हूँ और फिर मैं कुरान क्लास अटेंड करने जाती हूँ। मुझे अखलाक से पना मांगनी चाहिए, औजु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। जब आप दुआएं पढ़ते हैं, कुरान क्लास अटेंड कर ली है और अब हम वापस जा रहे हैं घर। अच्छा हम खाना खाने लगे हैं अभी और उसके बाद आगे के शूज चेंज कराने हैं। उसके साइज जो है वो बड़ा हो गया है और ये बच्चे यहाँ पे शोर कर रहे हैं। आइजल की न्यू शूज आइजल ने ले लिए हैं, चेंज कर लिए हैं और आइसक्रीम खाने लगे हैं। आइसक्रीम माय आइसक्रीम। अभी मैंने और आइजल ने आइसक्रीम फिनिश की है, एक कुकी एंड क्रीम था और एक था कुल्फा और अब हमने दूसरी मंगवाई है चॉकलेट एंड टूटी फ्रूटी। आइजल से वेट नहीं हो रहा, वेट बेटा चॉकलेट यम्मी। उनको तो पता ही नहीं था ना, जैसे आपने बताया तो उनको पता चल गया। The next morning. Assalamualaikum everyone. I hope कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं और आइजल जो है वो उठ गए हैं, मैंने जो है बेडशीट वगैरह बिछा लिए, बाकी आइजल के कुछ कपड़े पड़े हैं वो सॉर्ट आउट करने हैं और आइजल का बाथ देना है। और आज हमें जाना है एक दावत पे, कामरान के फ्रेंड हैं उन्होंने हमें दावत दी है, उनके घर भी जाना है, उसके लिए भी तैयारियाँ करनी है, रेडी होना है। शाम को जाना है हमने 7 बजे और अभी बज रहे हैं 3। अभी मैंने और आइजल ने नाश्ता करना है। तो आइजल आइजल बिता आइजल जो है बहुत खुश है, न्यू बेडशीट बिछी और वो खेल रही है उस पर। आइजू बिता आइजल ने बात ले लिया है और आइजल यहाँ पे बैठी है। आइजल के मैंने कपड़े पहनाती हूँ और फिर हम नीचे जाएंगे। आइजल इज रेडी स्टैंड अप, कम लेट्स गो टू दादू, कम लेट्स गो टू ग्रैनी। ओहो आइजल, चलो लेट्स गो टू दादू। सो गाइस आई एम रेडी टू गो, कामरान इज वेटिंग फॉर मी और ये है मेरी फुल लुक। लाइट्स वगैरह बंद कर लेती हूँ और
इधर आओ मेरे साथ। अभी हम आए हैं लेयर्स पे और बास्किन रॉबिन्स पे चेक करते हैं, उनके भी केक्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो वरना लेयर से लेंगे, वहाँ से केक लेते हैं और फिर हम जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। The table is spread and look at all the beautiful and yummy delicious food. मेरा बस नहीं चल रहा, मैं बस जल्दी जल्दी से ना खाने शुरू कर दूँ। इधर क्या हो रहा है? आइजल पकड़ो 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 इसको पकड़ो 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 भाग गया। It was a great night और we are back home। अभी बैठ के सारे गपशप कर रहे हैं, उसके बाद फिर रूम में जाएंगे और रेस्ट करेंगे। दावत से हम वापस आ गए थे और मैंने सोचा मैं अपना नाइट सूट निकालने लगी हूँ। नाइट सूट पहन के थोड़ा सुकून आ जाएगा और फिर जो है अपनी एक वीडियो एडिट करनी है, मैंने वीडियो एडिट करूँगी और उसके बाद जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो जाके देखिए और जो नई वीडियोस मैंने बनाई हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी। तो मैंने आज अपने जो अपर लिप्स से इससे किए क्लीन क्योंकि दावत पे जाना था और पार्लर जाने का टाइम नहीं था। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूँ। ये है ब्राउन्स की अनवांटेड हेयर, अगर आपके हैं उसको आप रिमूव करना चाहते हैं घर में आराम से बैठे बैठे तो आप ये वाली मशीन ले लें। मैंने यूज़ की हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये काफ़ी जो है यूज़फुल है। और यहाँ पे बस आपने थ्रेड डालना है और अभी मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, इसको मैं ऑन करती हूँ तो ये इस तरह वर्क करती है। और आप अपने अपर लिप्स या अनवांटेड हेयर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इजीली ये जो है रिमूव कर लेगा। तो इसका देखें, अब ये धागा जो था ये काफ़ी अरसे से ना मैंने इस पर लगाया हुआ था तो जब धागा जो है वो यूज़ हो जाता है उसके बाद ये ऐसे टूट जाता है। फिर आप इसका धागा ईज़िली जो है चेंज कर सकते हैं। इस वाले बटन को आपने, इसकी जो किट होती है उसमें जो थ्रेड है वो आपको मिलेगा, दो तीन थ्रेड मिलते हैं। इसको यहाँ से ओपन करती हूँ तो बस आप इसको खोलें, इसका ये वाला जो थ्रेड है जो यूज़ हो चुका है इसको हटाएं और यहाँ से भी हटा देते हैं और जो नया थ्रेड है वो फिर आप इसमें दोबारा से यहाँ पे अटैच करें, यहाँ से डालें, इसमें डालें और यहाँ से। तो बड़ी यूज़फुल चीज़ है और घर बैठे आप इजीली, अब टाइम नहीं होता मोस्टली लोगों के पास ना कहीं जाना हो जल्दी में तो फिर बंदा इसको यूज़ कर सकता है। तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई है तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, आप लोग भी इससे थोड़ा फ़ायदा उठाएं। और बड़ी रीज़नेबल है, मैंने पेशावर से जब एक साल पहले ली थी तब ये 1500 की थी और अब तकरीबन 2000 की हो गई होगी या इतने की होगी, आप चेक कर सकते हैं। आपको लगा के दिखाती हूँ, ये देखें, एक आपने लंबा सा थ्रेड लेना है, ठीक है। इस थ्रेड को सबसे पहले आपने इसके यहाँ पे बीच में एक जगह बनी हुई है इसमें डाल देना है, सही है, ऐसे ये इसमें डल गया। फिर एक साइड यहाँ से लेकर आनी है और दूसरी साइड इस साइड से, यहाँ से। अभी मैं एक हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसको यहाँ से टाइट करके इसके ऊपर भी घुमा देना है और यहाँ से भी घुमा दे, ठीक है। ये हो गया है टाइट और अब हम इसका जो बटन है इसको कर लेते हैं बंद।
इसका बटन टाइट हो गया है और ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा, और जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऐसे करेगा। आई होप कि आप सबको जो है समझ आ गई हो। तो लेट्स सी व्हाट्स इन माय बैग टुडे, और इसको खोल के मैं दिखाती हूँ मैंने क्या रखा था इसके अंदर। कोई ख़ास चीज़ें मैं नहीं रखती। ये एक बिस्किट रखा था आइजल के लिए जो उसने खाया नहीं। एक ये टॉफ़ी रखी थी वो आइजल ने खा ली है। इसका रैपर मैंने रखा हुआ है। एक मैंने अपनी लिपस्टिक रखी हुई है और लेंस का कंटेनर, अगर लेंस ने इरिटेशन शुरू कर दी तो फिर लेंस को मैं निकाल दूँ। और बाकी जो मेरा बैग है खाली है। पैसों की ज़रूरत तब पड़ती है जब मैं अकेले जा रही हूँ, कामरान के साथ पैसों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस जिप में भी कुछ नहीं है, सब कुछ खाली। और ये बैग है न्यू लुक का। बेसिकली ये मेरी खाला ने मुझे दो तीन दिए हैं न्यू लुक के बैग। ये इंग्लैंड का कोई ब्रांड है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया मेरा बैग व्हाट्स इन माई बैग टुडे। तो मैं सोच रही थी वैसे जब भी मैं कहीं जाया करूँ तो मैं व्हाट्स इन माई बैग टुडे वाला किया करूँगी आपसे। कामरान ने मुझे ये गिफ्ट दिया है और इसको खोल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो ये इसमें है टॉप्स हैं, कुछ काफ़ी फ्रेंड्स पूछ भी रही थी कि बर्थडे पे क्या गिफ्ट मिला, तो मैंने लगाई नहीं थी पोस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी हम बना रहे हैं केक और हुरैन जो है मिक्स कर रही है। अभी हमें इसमें कोको पाउडर डालना है। हम मार्बल केक भी बनाएंगे, ब्राउनीज भी बनाएंगे और चॉकलेट केक भी बनाएंगे। ये तो अभी सिंपल केक है ना, इसमें हम डालेंगे कोको पाउडर। ये देखिए मिक्स हो गए, ये ज्यादा कलर है। चलो चलो मिक्स करो। मेरे हाथ को देखिए। तो अनुषे भी आ गई है हमारी हेल्प करने, और अनुषे जो है ये ब्लेंड कर रही है अभी। और जब अनुषे जो है थक जाएगी फिर हुरैन की ड्यूटी होगी। आइसक्रीम सब खाए ना।